जी हाँ, बोलो सदगुरु भगवान की। आज हम यहाँ पे हरि मोहन सोलंकी के आमंत्रण पे ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए, और जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी समझ है, इतना ज्ञान वर्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने रखेंगे। अब क्या रखेंगे, कुछ लिख के लाया हूँ और कुछ मन में जो होगा वो सामने रख दूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से बैठना, ध्यान से सुनना कि ये जो चैनल हरिमोहन सोलंकी ने हमारे लिए मेहनत करके, कुर्बानियां देकर जो चैनल खोला है, वो हमारी भलाई के लिए ही है, हमारे बच्चों की भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। क्यों कि हमारे जी कौम के बच्चे हैं वो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, वो हमारी कौम आगे तो बढ़ रही है, धन भी कमा रहे हैं, लेकिन धर्म के मामले में पीछे हैं। इसलिए हम सबको हरि मोहन सोलंकी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये राह दी कि संतों को बुलाएंगे, मुझे जैसे तुच्छ बुद्धि वाले को भी बुलाया है, तो मुझे जितना आता है वो आप लोग के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि ईशोवासी उपनिषद है, उसका मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसका जो अर्थ है, जितना मेरी समझ के अनुसार है, मैं आप लोग के समक्ष रखता हूं। ओम, वह परब्रह्म पूर्ण है, वह परब्रह्म पूर्ण है, और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णतव लेकर अपने आप में लीन करके पूर्ण परम ही बच रहता है, त्रिविध ताप की शांति हो। अब इसका जो तात्पर्य है, ये तो ओमकार की महिमा थी, उस ब्रह्म की महिमा थी, और उसका ये जो सीधा सीधा अर्थ है वो था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं कि ओम वह परब्रह्म, वह मतलब दूर, दूर मतलब निराकार, क्योंकि वो तो परमात्मा हमारी शरीर से ज्यादा करीब है, तो वह का अर्थ है निराकार। वह परब्रह्म पूर्ण है, और ये कार्य ब्रह्म मतलब जगत, ये भी पूर्ण है, और ये दो नहीं है, एक ही है, लेकिन हमें समझाने वाले कोई मिल जाए और इस बात को समझा दे कि ये दो नहीं, एक भी नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, ये साहिब कबीर का दुआ यहां फिट बैठता है, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं के गार, अब जैसा कहते सारा साहिब कहे, इसको पूरा जितना आया इतना रखा, तो ये अद्वितीय है ब्रह्म वो, और ये का अर्थ सिर्फ कहने का ये है कि हम उस परमात्मा को पता नहीं कहाँ रख के बैठे हैं, लेकिन वो उस दूर बैठे या नहीं कहा है, उन्होंने निराकार की बात की है, और ये कह के साकार की बात करी कि निराकार और साकार ब्रह्म दो नहीं, वो एक ही है, जैसे बाप और बेटा और उसका पोता, वो बीच वाला तो बाप ही रहेगा ना, वो उसका बेटा है और ये इसका बाप है, बीच वाला तो बाप का बाप ही रहेगा। तो इस अद्वितीय तत्व को जनाने के लिए, समझाने के लिए ये ईशोवासीय उपनिषद का पहला श्लोक है। अच्छा, अब इसी के माध्यम में
विचारमाला नामक ग्रंथ है, उसने भी इस बात को किस तरह रखा है, और वो एक ही बात है, नमो नमो श्री राम जू, के राम भगवान जो इस धरती पे आए और हमको उपदेश करके गए, नमो नमो श्री राम जू सच्चित आनंद रूप, वो ही सच्चित आनंद है जिसको निराकार हम कहते हैं, सत चित आनंद यानी कि निराकार स्वरूप, और श्री राम राजा दशरथ के बेटे, तो राजा दशरथ के बेटे राम वो साकार में है और सच्चित आनंद जो है वो निराकार में। अब इन दोनों को अपने अनाददास कहते, जिन्हें जाने जग सौपन वित्त, जिस तरह ये दो नहीं एक ही है, अद्वितीय है, इसी तरह अगर ये इंसान इस बात को समझ जाएगी, ये जगत जो है ना वो परमात्मा का रूप ही है, परमात्मा का रूप ही है, तो उसका जगत बना सपना टूटे तो अज्ञान रूपी कुएं से बाहर निकले। तो राम श्री रामचंद्र भगवान और सच्चिदानंद रूप दो नहीं एक ही है, यानी कि अद्वितीय है, दो भी नहीं एक भी नहीं, जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी और घड़ा तो दो हैं, अगर हम मिट्टी को देखें तो वो अलग है और घड़े को देखें तो अलग, लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो मिट्टी का ही घड़ा है, तो वहां जब मिट्टी का घड़ा तो वहां पे घड़ा क्या है और मिट्टी क्या पता नहीं चलेगा, ये अद्वितीय है साहब, ये अद्वितीय है। और इस बात को जानने के लिए ही हमारे संतों ने बड़ी कुर्बानियां दी है हम तक ये बात पहुंचाने के, अद्वितीय समझाने के लिए। भगवान वेद्य व्यास स्वामी ने 18 पुराण लिखे सब, वैसे तो चार वेद का खुलासा किया, 108 उपनिषद में उन्होंने टीका की, 18 पुराण लिखा है, 18 उपपुराण लिखे है ना उन्होंने की, अब उन सब में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, शिव भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, इन सब में कॉमन एक ही है, यानी कि जिसको भी आप उठाओ वो भगवान ही है, तो ये नाम अलग अलग होने से हम उसको दो समझ रहे हैं कि शिव भगवान है, ये नारायण भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये इस तरह करके हम अलग अलग समझ रहे हैं इसको, लेकिन उन नामों को जब ख़त्म करके यज्ञ करके ख़त्म किया जाए तो एक बात रह जाती है भगवान, जो कि शक्ति है, और उसको ब्रह्म ही के, भगवान व्यास ने भी इसी बात को समझाने के लिए ये पुराण लिखे, लेकिन हमने उस बात को न समझ के उनको अलग अलग करके अपना अपना मान के अलग अलग रख लिया। अब उसी बात को फिर कहता हूं मैं, जैसे कि अनाथ दास ने, बल्कि बिरजूचंद महात्मा ने गणेश को किस तरह रखा है, हमारा जो गणेश है, देखो ये तीनों जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये तीसरी बात भी करूँगा, ये तीनों का मतलब एक ही है कि उस अद्वितीय ब्रह्म को जानना, साकार निराकार को एक करना, जगत और जगदीश को एक करके मानना या समझना, और ये किस तरह है। अब गणेश क्या है, प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं, 5 तत्व और 25 उसकी जो काम ग्रह शोक मोह भय वायु चलन अनुमान धन प्रसारण आकुचन, इस तरह करके ये 25 है। प्रकृति, फिर गुण, गुण क्या है, रजोगुण सतोगुण, फिर गण क्या है, सूर्य चांद सितारे आदि वगैरह, और ईश यानी कि वो ताकत, ये प्रकृति गुण गण ईश को ताको कहते गणेश, किसको कहते हैं गणेश, ये पूरे ब्रह्मांड को गणेश कहते हैं साहब, पूरे ब्रह्मांड को गणेश कहते हैं, वो एक उस परमात्मा गणेश को सिर्फ नहीं कहा गया, वो जो हमने उसकी छवि बना के, वो उन्होंने पूरे कायनात को गणेश कहा है, जिसमें सूरज है, चांद है, सितारे हैं, देवी है, देवा है, कृष्ण है, शिव है, तू है, मैं हूं, सब के सब उसके अंदर आ गए, कि प्रकृति गुण गण ईश को ताको कहत गणेश, बिरधि चंद कर जोड़कर, बिरजन महात्मा हाथ जोड़कर निरंतर, हमेशा, निरंतर का मतलब हमेशा
उन्हीं का गुणगान करते हैं और उन्हीं को नमस्कार करते हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या कि ये तीन जो मैंने ओम प्रणव मदम ईशावासीय उपनिषद का मंत्र, नमो नमो श्री राम जी इसकी ये साखी जो कही विचार माला की, और ये वेदांत संग्रह का पेट करते गुण, इन तीनों का तात्पर्य एक ही है कि उस अद्वितीय को पहचाना जाए। और हमारा जो जन्म है मानखा जुड़ी वो किस लिए है, उस परमात्मा की खोज के अंदर ही इसको बिताना, समझना। अब इसमें करते ओम शांति है शांति है शांति, त्रिविध ताप की शांति हो। अब त्रिताप क्या है, हर आदमी हर मनुष्य जो है वो सुखी होना चाह रहा है, कोई भी हो। अब सुख क्या है हमको पता नहीं, हम जो है सुख धन कमाने के चक्कर में लगे, तो धन कमाने सुखी हो रहा है नहीं, सुख तो है लेकिन उसको छुपाने के लिए करते हैं कुछ, कि दुखी भी है, धन के सुख के साथ उसका दुख भी है। तो हम सुखी होना चाहते हैं और उस सुखी होने के लिए क्या करना है हमको, कि अपने आप की पहचान करनी है हमको, परमेश्वर परमात्मा के चरणों में जाना है और अपने आप की पहचान करनी है। कि भाई कैसे, कि भाई तू कौन है या मैं कौन हूं। जब हमसे कोई पूछे कि भाई तू कौन है, तो आप सिरे पे हाथ रखोगे कि मैं पुरुषोत्तम या रविदास, है ना, इससे हम अपना नाम लेंगे। लेकिन ये क्या, ये पुरुषोत्तम ये है, ये तो पुरुषोत्तम की छाती है, पुरुषोत्तम कहाँ है साहब, हमको पुरुषोत्तम को ढूंढना है। ये पुरुषोत्तम का गाल है, ये पुरुषोत्तम का हाथ है, ये पुरुषोत्तम का पांव है, तो हम जो है पुरुषोत्तम को ढूंढे कि मैं कहाँ हूं, है ना। वो अक्सर सत्संगों में जाते कि कौन हूं मैं कौन हूं, कोई ये जानता नहीं, है ना, ऐसा भजन है ना। तो हमको उस कौन को ढूंढना है जो कि हम भूल बैठे। तो हम क्या भूल बैठे, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, क्या मान लिया, शरीर में गोरा हूं मैं, काला हूं मैं, मोटा हूं मैं, पतला हूं मैं, काला हूं मैं, लंबा हूं मैं, ठिंगना हूं, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। और तो क्या हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं। आप खुद तो थोड़ा गौर से देखें, तो अगर आपके यहाँ पे हाथ पे लगे तो भाई मेरे हाथ पे क्यों मारा, भाई ये तेरा हाथ है तो तू कहाँ है, इस बात पे कभी विचारा है, इस बात को विचारो। और इस बात को विचारने से ये होगा कि हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप से मिलते ही नहीं, हम दूसरों के पहचानने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो कैसा है वो कैसा है वो कैसा है। अरे नहीं भाई, तू अपने आप को पहचान, तू कैसा है, तू शरीर नहीं है, तू इस शरीर को जानने वाला है, तू इस शरीर को समझने वाला है, तू तो साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ओम पूर्णमदा, तू तो वो है। तू अपने आप को भूल कर अपने आप को शरीर मान के बैठा है। बोले सतगुरु भगवान की जय।